एक ही साइड सोनिया गांधी जी का जो हमारी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, हमारे साबिक अध्यक्ष युवा नेता राहुल गांधी जी का, हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब का, मेनू गोपाल जी का और हमारी इंचार्ज खुसूसन रजनी पाटिल जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी कांग्रेस प्रेसिडेंट बना के जम्मू कश्मीर प्रदेश का। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जिन उम्मीदों से उन्होंने मुझे इस पद पे बिठाया है उन उम्मीदों पे मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा और पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करने की कोशिश करूंगा। जो सीनियर लोग हैं हमारे उनके साथ, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है युवा नेता है उनके साथ मिलजुल के इस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। और जो जम्मू कश्मीर की आवाम है जो इस वक्त परेशान है, 8 साल से डेमोक्रेसी का गला घोटा गया यहां पे स्टेटहुड को खत्म किया गया, यूटी बनाई गई और बीजेपी ने यहां पे जंगल राज शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे काउंसलर भी बनाया, जिन्होंने मुझे म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी बनाया, जिन्होंने मुझे 2 बार एमएलए भी बनाया और आज तक मैं बनिहाल से कभी इलेक्शन हारा नहीं हूं। तो मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैं इन्हीं के कंधों पे ये सारा बोझ डालूंगा क्योंकि मुझे स्टेट में काम करना है और बनिहाल का काम जो है मेरे साथ ही सारे और मेरे सारे वर्कर जो है संभालेंगे। काफी लोगों को उम्मीद होती है कि हम पीसीसी प्रेसिडेंट बनेंगे, उसमें 5-6 लोग भी पैनल में थे, अब पार्टी मेरिट के हिसाब से फैसला करती है। तो अगर पार्टी मेरा फैसला नहीं करते तो मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैं पार्टी में रहता जैसे हमारी फैमिली पिछले 70 साल से कांग्रेस में, चाहे मेरे चाचा मरहूम सुनाउल्लाह साहब थे, चाहे गुलाम रसूल साहब थे, चाहे मैं हूं। लिहाजा पार्टी का डिसीजन हर छोटे वर्कर से लेके बड़े वर्कर तक कबूल होना चाहिए। अलबत्ता यह है कि किसी को गिला है कि मैं बड़ी कमेटी का मेंबर होना चाहिए या चेयरमैन होना चाहिए, उसकी बेस पे अगर कोई ये बोलता है कि मैं अपने मेंबर से रिजाइन करता हूं तो वो अच्छा नहीं है। पार्टी उन सब लोगों की जो ग्रीवेंसेज है उनको हम देखेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के हम सॉर्ट आउट करेंगे तो वो सारे इश्यूज हम सॉल्व करेंगे। इसी अगर देखा जाए मुझे लगता है इस वक्त 10-15 लाख के करीब लोग ग्रेजुएट 10+2 एमए करके पीएचडी करके घरों में बैठे हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। डेली वेजरों को 20-20, 25-25 साल हो गए, चाहे वो एनवाईसी है, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हैं, चाहे वो नरेगा के एम्प्लॉयज हैं, जो सारे रात दिन प्रोटेस्टों में बैठते हैं, उनका मसला जो है कोई हल नहीं कर रहा है। लोगों की मुसीबतें हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, महंगाई इस वक्त आसमान को छू रही है। लिहाजा इन सभी इशुओं को लेके, खासकर स्टेटहुड को लेके और जम्मू और कश्मीर के जो इशू होंगे दोनों रीजन्स में, उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे, आगे गवर्नमेंट का घेराव करेंगे और मुझे यकीन है जो आने वाला इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस अपने दम पे सरकार बनाएगी, जिसके लिए हम रात दिन एक करके मेहनत करेंगे अपने साथियों के साथ, अपने जो हमारे साथी रहे हैं, चाहे वो असेंबली में रहे हैं, चाहे वो असेंबली से बाहर रहे हैं, चाहे वो पार्टी